स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे पोलैरिटी एंड टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो पोलैरिटी को पढ़ने से पहले हम कोवलेंट कंपाउंड सीखेंगे कि कौन से कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, वो ही हमें एक्सप्लेन करेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी। तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी अपने पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जो एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होता है। इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इन्वॉल्व इन अ बॉन्डिंग और उनका जो कंपाउंड बना होता है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन बहुत सेम एलिमेंट है, तो इनमें हम नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर कौन है इन दोनों में से, हम बोल नहीं सकते ये। इन केस ऑफ HCl वी नो लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। जो क्लोरीन है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है। जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव। यो जिस इनके बीच सेपरेशन ऑफ चार्जेस आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पोलैरिटी। और वो कंपाउंड जिनमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हो उन कंपाउंड को पोलर कंपाउंड्स का नेम देते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। सो सबसे पहले वाटर, वाटर का स्ट्रक्चर बेंट शेप होता है, वी शेप। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पोलर कंपाउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल इज HF। इन दिस केस आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज।